इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार ऑनलाइन काउंसिल में पार्टिसिपेट किए थे खासकर एलवंथ वाले कैंडिडेट और उसके बाद बीएससी एंड डिप्लोमा की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप एम ए फिर वेबसाइट पर जाएंगे दैट इज एग्जाम कंट्रोलर इस तरीके का आइकन आएगा अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लिस्ट के इंतजार में उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था इस वजह से ऑफिस ऑफ कंट्रोलर पर क्लिक करेंगे जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा इसके बाद आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले और फॉर्मलिस्ट का आइकन जो है इस पर चले जाएँगे यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें बता दूँ देखिए अगर आपके सीट्स वैकेंट रहेंगे तभी आपके फॉर्मलिस्ट फोर भी आ सकते हैं फिफ्थ भी आ सकते हैं और सिक्स भी आ सकते हैं इवन जब तक सीट्स फुल नहीं हो जाए तब तक जो है फॉर्मलिस्ट आते जाएंगे पर अभी अगर हम सीनियर सेकेंडरी की बात कर ले वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो डिप्लोमा में जो है फॉर्मलिस्ट फोर आया है बाकी का अगर देखें तो यहाँ पे आ, एलेवन साइंस में जो बॉयज़ का जो था उसका फॉर्मलिस्ट थ्री आया था बट अगर गर्ल्स में देखें तो फॉर्मलिस्ट थ्री नहीं आया था उसके पीछे का रीजन ये कि फॉर्मलिस्ट सॉरी फॉर्मलिस्ट वन और फॉमलिस्ट टू में ही इनका सीट्स फुल हो गया था दैट्स वाई इनका जो है फॉर्मिलिस्िस थ्री आ नहीं पाया और तो अगेन अगर हम यहाँ पर बात कर ले डिप्लोमा वाले के साथ इन केस अगर इन जो लिस्ट आए हुए हैं लिस्ट थ्री में अगर इसमें सीट्स वैकेंट रह जाएंगे तभी फॉर्म लिस्ट फोर आएंगे बट याद रहे इलेवन गर्ल्स का तो आना बहुत मुश्किल अगर आएगा तो ये ये जो चार कोर्सेस है इसी में से ही आ सकता है अगर सीट वैकेंट रहा तो तो ये फॉर्म लिस्ट की बात जो भी बच्चे पूछ रहे होते चाहे वो डिप्लोमा वाले हो या और भी कोर्सेज वाले हो डिपेंड करता है कि कितना सीट्स वैकेंट रह गया अगर आप डिप्लोमा वालों को डाउनलोड करेंगे यानी जो सिप बॉयज़ में भी जो है ऐसे इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के इसको फिर से ओपन करेंगे इस तरीके से चाहे वो बीएससी वाले कैंडिडेट हो या और भी किसी कोर्सेज को इसमें अगर देखेंगे तो मुश्किल से एटीन स्टूडेंट्स का नाम आया है अब होता यह है कि जिन बच्चे का नाम आता है वो ज़्यादातर चांस ऐसा होता है कि वो एडमिशन ले ही लेते हैं वो रुकते नहीं हैं तो इसी वजह से आज के टाइम में जो है वो फॉमलिश्स भी पिछले साल के कंपेरिजन में कम आ रहा है क्योंकि पिछले साल जो है एटलीस्ट चार पाँच के आस या छः के आस चला गया था फॉर्मलिस्ट रिजल्ट आने के बारे में तो यूँ समझे कि जो फॉर्मलिश वाले जो क्वेरी होते हैं स्टूडेंट्स का आई थिंक क्लियर हो गया बाकी एट द एंड में जिन बच्चे का सिलेक्शन हो गया है उनको मुबारक हो और वो अपनी प्रिपे आगे की जो कोर्सेज का जो स्टडी है वो ढंग से क्या करें क्योंकि ऑब्वियसली उनके क्लासेस चलेंगे तो ऑब्वियसली उन पर फोकस करना पड़ेगा और जब वो फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे थैंक यू